हेलो दोस्तों, एडजी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अब जो है मेरिट कब तक आएगा। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सबसे मैं आपको बता दोस्तों कि जिस प्रकार से छात्रों के द्वारा कल का आंदोलन किया गया, इस आंदोलन का बहुत असर हुआ है। कुछ छात्र कह रहे हैं कि इस आंदोलन का कोई असर नहीं हुआ, तो हम आपको बता दें फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। आंदोलन का ही असर है कि जल्द से जल्द सारी चीजें होने लगी है, ये आप समझ लें। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जो भी कल लिस्ट जारी किए गए हैं न्यू एनसीएल वाले छात्रों के लिए, उसमें कितना छात्र हैं, तो पहले फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो है डेटा वाइज इसमें दिखाया जा रहा है, अररिया और सभी चीजों का, इसमें जितने भी जिले हैं 38 जिले, 38 जिलों में कुल जो है न्यू एनसीएल वाले जो छात्र हैं, जिसका शॉर्टलिस्टेड किया गया है न्यू एनसीएल बनवाने को लेकर, तो कुल छात्र हैं 3381। अब यहाँ से देख पाएंगे कुल छात्र कितना है, 3381 स्टूडेंट, और इन सभी छात्रों का आज से ब्लॉक में न्यू एनसीएल बनेंगे। और दोस्तों, इन्हें समय दिया गया है 15 दिनों का, आपको पता है, और ये 15 दिन में से आज 2 दिन निकल चुके हैं, इतना आप समझ लीजिए करीब 13 दिन और रह गए हैं। तो दोस्तों, मेरिट कब आएगा? और आंदोलन का असर तो आपने देखा कि किस प्रकार से कल आंदोलन जमकर आंदोलन हुआ, कोई भी सचिव अध्यक्ष जो है मिलने को तैयार नहीं हुआ। वो सारा चीज हमको लगता है लिस्ट तैयार करने में समय लगा रहे थे, इसीलिए वो जो है मिलने नहीं आए हैं। दोस्तों, जो सेंट्रल ओबीसी दिए थे, आपने देखा कि जो भी छात्र सेंट्रल ओबीसी दिए हैं उनका जो है इसमें रोल नंबर मेंशन नहीं किया गया, मतलब साफ है कि जो सेंट्रल ओबीसी दिए हैं उसका एक्सेप्ट कर लिया गया है, और जो न्यू एनसीएल छात्र दिए थे उनका एक्सेप्ट नहीं करके उनका लिस्ट जारी किया गया। कुल 3381 छात्र इसमें सम्मिलित थे न्यू एनसीएल में, आपने देखा। तो दोस्तों, अब मेरिट लिस्ट कब आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल। तो मेरिट लिस्ट हम आपको बता दें कि अब 15 जून के बाद, इतना आप समझ लिए दोस्तों कि 15 जून के आसपास या 2 दिन बाद आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिल सकता है। आयोग पूरा तेजी से कार्य कर रहा है, छात्रों के साथ क्या बड़ा धोखा हो गया ये आपको समझना बहुत जरूरी है। सभी छात्र ये चाह रहे थे कि जल्द से जल्द जो है मेरिट लिस्ट आ जाए, और उस मेरिट लिस्ट में जो भी न्यू एनसीएल वाले छात्र हैं उसमें स्टार लगा करके और सिर्फ उसी से न्यू एनसीएल ज्वाइनिंग के समय लिया जाता, तो ये जो है आयोग के पास जो समय जो है कम लगता। लेकिन आयोग ने क्या किया, इसको लेट लतीफी करना चाहता है, तो वो स्कोर ज़्यादा खींचना चाहता, इसीलिए ऐसा किया गया है। ये चीज़ें भी छात्रों को समझना होगा। अगर किसी का मेरिट तैयार हो जाता है, जिन जिन छात्रों का उसमें मेरिट में नाम रहेगा, तो वो न्यू एनसीएल दे करके अपना ज्वाइनिंग करा लेते हैं, लेकिन आयोग ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब जो छात्र का मेरिट नहीं आया वो छात्र बस समझ रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन अब आपको ये भी बता दें फ्रेंड्स कि जिन छात्रों का इसमें न्यू एनसीएल वाले को सिलेक्टेड किए गए हैं न्यू एनसीएल बनवाने, वो अभी फाइनल सिलेक्शन अभी नहीं माने, ये नहीं सोचे कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया तो मेरा न्यू एनसीएल, अभी मेरिट जो है मेरिट पर कार्य होना बाकी है, अभी कुछ कुछ कार्य जो है उस पर होना बाकी है। इसलिए फ्रेंड्स, सिर्फ अभी जो है आपका न्यू एनसीएल लिया जा रहा है, मेरिट अभी नहीं दिया जा रहा, तो ये बहुत बड़ा सवाल है छात्रों के द्वारा। ये भी आप समझ लें कि फाइनल मेरिट जब तक नहीं आता तब तक कुछ भी कह पाना असंभव है। तो दोस्तों, यही इस वीडियो में लास्ट तक आपने बने रहे, 15 जून तक इंतजार करें। मेरिट जो है अब इतना दिन जो है लिया है या आयोग ने लिया है, अब छात्र करे भी तो क्या, कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आता है एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।